A very good morning to all of you. Myself Safia and I welcome you all in your history class lecture 6. So students, जैसे कि आप सबको पता है हम chapter 9 the making of the national movement 1870s to 1947 discuss कर रहे हैं, ठीक है। So last video में हमने एक slogan पढ़ा था, ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था, freedom is my birthright and I shall have it, ठीक है। उसके बाद हमने partition of Bengal के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स का क्या मोटिव था बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ डिस्कस करेंगे, लेट्स स्टार्ट। द स्ट्रगल अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल केम टू बी नाउन एज द स्वदेशी मूवमेंट। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट स्ट्रगल चली आ रही थी लोगों की, ठीक है, उसको एक नाम मिला। क्या नाम था? स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मीन्स वंस ओन कंट्री, अपने देश का, ठीक है। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। स्वदेशी मूवमेंट क्यों स्टार्ट की गई? ये एक प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। द पीपल वर आस्क्ड टू यूज द गुड्स प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। लोगों से कहा गया कि आपको वो गुड्स यूज करनी है जो आपकी कंट्री में प्रोड्यूस की जाएंगी, ओके। इन आंध्र प्रदेश इट वॉज नाउन एज द वंदे मातरम मूवमेंट। और जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए स्ट्रगल हो रही थी, ये सिर्फ बंगाल में नहीं हो रही थी, ये इंडिया के हर एक पार्ट में हो रही थी, ठीक है। अलग अलग पार्ट में इसको अलग अलग नाम दिए गए, जैसे आंध्र प्रदेश में इट वॉज नाउन एज द वंदे मातरम मूवमेंट, ओके। द स्वदेशी मूवमेंट सॉट टू अपोज ब्रिटिश रूल एंड इनकरेज द आइडियाज ऑफ सेल्फ हेल्प, स्वदेशी एंटरप्राइज, नेशनल एजुकेशन एंड यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट में कहा गया कि हमें सेल्फ हेल्प पे काम करना है, हमने अपनी हेल्प खुद करनी है, स्वदेशी एंटरप्राइजेज ओपन करनी है जो हमारी देश की हो, हमारे देश के लोग ओपन करें, ठीक है। नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देना है और इंडियन लैंग्वेजेस को भी ले आगे लेके जाना है, और हमें भी खुद भी इंडियन लैंग्वेज बोलनी है, ठीक है। टू फाइट फॉर स्वराज रेडिकल एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स, ठीक है। लोगों को फाइट करनी है स्वराज के लिए, स्वराज मीन्स सेल्फ रूल, ओके। रेडिकल एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एंड गुड्स, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए, ठीक है, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोटेस्ट किए एंड उन्होंने बायकॉट किया ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स। सो बायकॉट मीन्स नॉट टू यूज़ द फॉरेन गुड्स, कि हमें फॉरेन गुड्स को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। बायकॉट इज़ अ मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड अलॉन्ग विद द स्वदेशी मूवमेंट ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इन दिस मोमेंट पीपल वर आस्क नॉट टू यूज़ द फॉरन गुड्स। इसमें कहा गया कि लोगों को फॉरन गुड्स को यूज़ नहीं करना है, ठीक है, फॉरन गुड्स को बाइकॉट कर देना है। सम इंडिविजुअल्स ऑल्सो बिगेन टू सजेस्ट दैट रेवोल्यूशनरी वायलेंस वुड बी नेसेसरी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल। कुछ लोगों ने यह भी सजेस्ट किया कि हमें यूज़ करना है वायलेंस का, अहिंसा का, ताकि हम ब्रिटिशर्स को अपने देश इंडिया से बाहर फेंक सके, ठीक है, ओवरथ्रो कर सके। द बिगनिंग ऑफ द 20th century वॉज मार्क्ड बाई अदर डेवलपमेंट एज वेल। जैसे जैसे टाइम चलता गया वैसे वैसे 20th century आई। 20th century में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, जैसे अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स फॉर्म्ड, ठीक, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट ढाका इन 1906, ठीक है। एक ग्रुप मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स का एंड नवाब्स का, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलके एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म की, ठीक है, कब की, 1906 में की, और कहाँ की, ढाका में, जो बांग्लादेश की कैपिटल है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका, वहाँ पे मुस्लिम लीग को फॉर्म किया गया इन 1906। इट डिज़ायर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, अ डिमांड कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1909। उन्होंने कहा हमें एक अलग इलेक्टोरेट चाहिए मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड की कि हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें सारे मुस्लिम जो हैं वो वोट करके एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकें, ठीक है। और उनकी डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा मान ली गई, कब, 1909 में। कंसीडर होता है मान लिया जाना, ओके। सम सीट्स इन द काउंसिल्स वर नाउ रिजर्व फॉर मुस्लिम्स हु वुड बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स। कुछ विधानसभा की जो सीट्स थी उनको मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दिया गया, ताकि वहाँ से मुस्लिम वोटर को इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इसी बीच
The moderates opposed to the use of boycott. They felt that it involved the use of force. जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स जो थे वो मॉडरेट्स थे, उनके विचार काफ़ी नरम थे, ठीक है, और कुछ थे रेडिकल्स, उनमें आक्रोश था, एक गुस्सा था, ठीक है। जो मॉडरेट लीडर्स थे उन्होंने जो यूज़ ऑफ बायकॉट था कि हमें बायकॉट करना है इंस्टीट्यूशंस को, जो फॉरेन गुड्स हैं, सब चीज़ों को, फॉरेन जो भी फॉरेन थिंग्स हैं उनको बायकॉट करना है, ठीक है, मॉडरेट ने इसके खिलाफ विरोध किया। उन्होंने कहा हमें बायकॉट करने के लिए फोर्स मींस लड़ाई झगड़े की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम नहीं चाहते हैं। और रेडिकल जो थे वो चाहते थे कि हम अपनी जो डिमांड्स हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से प्रार्थना के थ्रू नहीं मांगे, हम उनसे छीन के लें। तो क्या हुआ, जो मॉडरेट थे और रेडिकल्स थे उनमें क्लैशेज आना शुरू हो गए। एंड इन 1907 में, सो द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907 इंटू टू ग्रुप्स, दैट इज मॉडरेट एंड द रेडिकल्स और एक्सट्रीमिस्ट। सो फाइनली कांग्रेस जो थी वो 1907 में टू ग्रुप्स में डिवाइड हो गई, फर्स्ट था मॉडरेट एंड सेकेंड था रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट। फिर ये जो दोनों ग्रुप्स थे ये अपने अपने लेवल पे वर्किंग करने लगे, ठीक है, और वर्किंग करते करते उन्होंने देखा कि उनका जो काम है वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया दोबारा रीयूनाइट का। सो द टू ग्रुप्स लेटर रीयूनाइटेड इन दिसंबर 1915, और इन दोनों ग्रुप्स ने दोबारा आपस में, ये दोनों ग्रुप्स मिल गए, कब रीयूनाइट हो गए, दिसंबर 1915 में। एंड नेक्स्ट ईयर 1916 में both congress and muslim league leaders joined hands in lucknow and decided to work together for representative government in the country. 1916 mein congress ne muslim league ke jo leaders the unke sath haath milaya lucknow mein and decide kiya ki hum ikatthe milke kaam karenge representative government ke liye apni country india mein. representative government means या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट सिस्टम मीन्स अ सिस्टम वेयर सिटीजन्स वोट टू इलेक्ट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, ठीक है, जहाँ पे लोगों को पूरा अधिकार हो कि वो अपनी मर्जी से कोई भी वोटर को चूज कर सके, ठीक है, एंड जो वो वोटर होगा वो सबके बिहाफ में, ठीक है, लॉज को फ्रेम करेगा और सबके इंटरेस्ट को साथ में लेके चलेगा। सो सबसे बड़ा जो इनका मोटिव था कांग्रेस का एंड मुस्लिम लीग लीडर्स का यही था कि हमें इकट्ठे काम करना है ताकि इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बन सके। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, बायकॉट मूवमेंट के बारे में, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्म की गई, एंड कांग्रेस टू पार्ट्स टू ग्रुप्स में कैसे डिवाइड हुई, ठीक है, एंड कब उसने रीयूनाइट किया, एंड एट लास्ट कि कांग्रेस ने एंड मुस्लिम जो लीग के लीडर्स थे उन्होंने हाथ मिलाया, देन उनका पूरा मोटिव क्या था, ठीक है, उनका काम करने का उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए काम करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।